लूपैक पे हम यहाँ पे नहीं पर बनाएंगे, हमने इंटरफेस पे नहीं पर हमने देख लिया था, आज हम बनाएंगे लूपैक पे। ठीक है, तो राउटर वन है तो राउटर वन पे मैं लूपैक दूंगा 1.1.1, राउटर टू है तो 2.2.2, राउटर थ्री है तो 3.3.3। ठीक है, तो हम इसका अब कंसोल ले लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो राउटर वन पे आते हैं। राउटर वन पहले हम इस पे आईपी एड्रेस कर देते हैं। इंटरफेस S4x0 4x0, ठीक है, इंटरफेस S4x0 सीरियल है। ठीक है, सीरियल लिंक किया हूँ। ठीक है सर, अभिनय सर हाँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सीरियल लिंक मैं लेके चल रहा हूँ, तो सीरियल लिंक में मेरा S4x0, ठीक है, S यानी कि सीरियल होता है। ठीक है, सीरियल 4x0, और इसके ऊपर मैं आईपी एड्रेसिंग करूंगा, तो राउटर वन है और ये टू है तो 12 का नेटवर्क, राउटर टू है तो थ्री है तो 23 का नेटवर्क। ठीक है, और जैसे ये राउटर वन है तो यहाँ पे इंटरफेस पे मैं लूंगा वन, इस इंटरफेस पे टू, यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री। ठीक है, तो मैं ऐसे कंफिगरेशन कर रहा हूँ। ओके ठीक, तो आईपी एड्रेसिंग पहले कर लेते हैं। यहाँ पे 12.1.1.1 255.255.255 0 जीरो नो शट डाउन। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक लूप बैक लेके चलूंगा, लूप बैक जीरो मेरा है 1.IP address 1.1.1.1 255.255.255.255। ठीक है, लूप बैक है तो /32 का मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सिंगल आईपी। ओके, चेक कर सकते हो। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा सीरियल है। ठीक है, और लूपबैक मेरा 1.1.1। ओके, सेम राउटर टू पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस ये सीरियल। ठीक है, सीरियल पूरा लिखना है तो सीरियल पूरा भी लिख सकते हो, F4x0 IP address 12.1.1.2 255.255.255.0। ठीक है, नो शट डाउन। और दूसरा इंटरफेस है मेरा इंटरफेस S4/1। ठीक है, 4/1 पे मेरा IP address 23.1.1.2 255.255.255.0 सेट डाउन। सॉरी, नो सेट डाउन। यहाँ पे हम एक लूपबैक लेके चलेंगे, लूपबैक 0 टू डॉट IP address 2.2.2.2 255.255.255.255। ठीक है, जो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये 255 255 255 के लिए सर टू ब्रूट फाइव फोर्स इसलिए वाला। दिया कि ये मैं सिंगल आईपी लेके चल रहा हूँ ना। लूप बैक हमारा, अगर चेक करोगे लूप बैक हमारा, तो लूप बैक जो होता है वो एज ए सिंगल आईपी होती है। ठीक है, /32 का लेके चलते हैं, सिंगल आईपी। ठीक है, यहाँ पे ये देखो,
ये आ रहा है ना, धोखा दे रखा है यहाँ पे, स्लैश R2 की सबमिट डाल रखी है, ठीक है। देखो लोकल जो होता है ना, अगर लोकल में देखो यहाँ पे देखोगे लोकल, इस राउटर पर लोकल कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ है ना, तो लोकल कभी भी दिखाएगा /32 से। मैंने ये दो का नेटवर्क ले रखा है /32 का, ठीक है, सिंगल IP। IP हमने इसमें चेक करें, सो IP BG, सो IP इंटरफेस ब्रीफ में हमारा, ठीक है। राउटर आते हैं सही, राउटर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस S4/1, S4/1 IP address 23.1.1.3 255.255.255.0। मैं सबमिट /24 कर लिया हूँ, ठीक है। एक लूपबैक बना लेते हैं, इंटरफेस लूपबैक 0, ठीक है, इंटरफेस लूपबैक 0, IP address 3.3.3.3 255.255.255.255, एक लूपबैक बना लिया, ओके। एग्जिट शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, ये हमारा हो गया और एक ये लूपबैक हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें BGP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज डैट कि मेरा यहाँ पे 100 चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी 100 चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे 200 चल रहा है, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा कि IBGP और EBGP दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं BGP, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है, राउटर BGP 100, ठीक है, राउटर BGP 100, BGP राउटर ID 1.1.1.1, ओके, ऑटो समरी। अब नेबर बनाते हैं, नेबर हमारा हम लोग किस पर बनाएंगे, हेलो, हम लोग नेबर बनाएंगे लूप बैक पे, ओके। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे इसका नेबर है 1.1.1.1, ठीक है, ये मैं 100 यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये इसका नेबर है। अनिश, लूपबैक का नेबर बनाने का मतलब है आप राउटर आईडी एज ए लूपबैक यूज करने वाले हो ना? नहीं, राउटर आईडी तो वो तो आएगा, लूपबैक का होगा तो वो लूपबैक की राउटर आईडी आ जाएगी, ठीक है। मैं एक्चुअली मैनुअली भी दे रखा हूँ, ठीक है। मेरे लूपबैक का बनाने का कंसर्न ये है कि हम अगर सपोज़ेड कि मेरे पास रिडंडेंट लिंक हो, अगर यहाँ पर मेरे पास दो लिंक है, ठीक है, तो लूपबैक में हम लूपबैक का यही बेनिफिट होता है हमारे पास कि अगर मैं लूपबैक पे बनाता हूँ तो सपोज मेरा अगर एक इंटरफेस मेरा डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वो मेरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, वो लूपबैक पे वो कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, वो मेरा नेबर डाउन ही नहीं होगा। तो इसमें जो होगा ना, इसमें जब होगा तो इसमें सोर्स जो होगा ना, वो सोर्स मेरा इससे जाएगा, ये सोर्स मेरा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और डेस्टिनेशन मेरा ये रहेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इसमें नेबर मेरा होगा कौन सा, 2 डॉट यहाँ पे 2.2.2.2, ठीक है, रिमोट एस, रिमोट एस मेरा कौन सा, 100, ठीक है, 100, ओके।
इसमें भी कुछ पैसिव पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट होता है बीजीपी में? बीजीपी में पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आई थिंक, जैसे मेरे पास तीन इंटरफेस है, मैं एक इंटरफेस हाँ, एक का राउट जैसे ओएसपी में होता है ना पैसिव इंटरफेस। हाँ, तो यहाँ पे आप ना जैसे आपके पास तीन रूट है ना, तो आप क्या कर सकते हैं ना, बीजीपी का अगर आपके पास वो है लिंक है तो आप उस लिंक को शटडाउन मार सकते हैं। अच्छा, हाँ शटडाउन कर सकते हैं आप उसको। अच्छा कमांड आता है, मैं कमांड से बताता हूँ। ठीक है, ये कमांड है ना, यहाँ पे आया नेबर शटडाउन, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। ऐसे शटडाउन करेंगे तो ये नेबर डाउन हो जाएगा आपका, आपका लिंक डाउन नहीं होगा लेकिन नेबर आप डाउन हो जाएगा आपका। चाहिए सपोर्टर की यहाँ से भी कनेक्शन डायरेक्ट बनाया है, फिर इनडायरेक्ट भी बना रखा है। मैं इसमें क्या करूँगा, दोनों बना दूंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। देखो ये मैं बता रहा था ना कि अगर मेरा नेबर डाउन है, मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने राउटर वन पे कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, आइडियल आ रहा है, ठीक है। ये दिखा रहा है अप और डाउन टाइम का, यानी कि क्या है कि मैंने अभी तक इसको अप किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नेवर लिख रहा है, नेवर नेवर आ रहा है, मतलब कभी ये अप हुआ, हाँ नेवर इसलिए आ रहा है कि कभी ये अप हुआ ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं राउटर टू पे इसका नेवर बनाऊंगा तो ये यहाँ से ये अप हो जाएगा, और अप होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये नेवर जो है ना ये हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम शो करेगा कि कितने टाइम से अप है, ठीक है। या एक बार अगर नेवर बन गया, एक बार अगर मैं नेवर बना लेता हूँ, राउटर वन का राउटर टू का स्टैब्लिश हो जाता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी अगर ये डाउन होगा ना, तो उसके बाद ना जैसे ये डाउन होगा तो यहाँ पे वो डाउन टाइम लिखेगा, यहाँ पे नेवर नहीं लिखेगा। अरे एक चीज बताओ, जैसे अब बीजेपी तो अप है तो ये आइडियल भी लिखा हुआ है, बीजेपी कहाँ अप है अभी, मैंने क्या अच्छा, बताया था, इंटरफेस ही अप है। इंटरफेस अप है ना, मैंने क्या बताया था, आइडियल में क्या होगा, मेरा बीजीपी हैज बीन शट डाउन, ठीक है, बंद है, ठीक है, या इट इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट रिप्लाई, ठीक है, वो नेक्स्ट रिप्लाई के लिए वेट कर रहा है। मतलब ये बीजीपी मेरा, समझ जाओ कि मेरा आइडियल जब स्टेट आता है तो मेरा बीजीपी डाउन है, सिंपल सा, ठीक है। ये यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है, आइडियल, ओके, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसका राउटर टू पे जाता हूँ, ठीक है, राउटर टू पे, ठीक है, राउटर टू पे मैं कमांड चलाता हूँ, राउटर बीजीपी, इसका एएस नंबर क्या है, 100 है, ठीक है, 100, ठीक है, बीजीपी राउटर आईडी 2.2.2.2, और नेबर इसका हो गया 1.1.1.1, रिमोट एस क्या है इसका, रिमोट एस 100, ठीक है, रिमोट एस 100 है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, शो आईपी बीजीपी समरी, मैंने नेबर तो बना दिया पर यहाँ पे क्या आ रहा है, आइडिया आ रहा है, क्यों आ रहा है आइडिया, मैं काम करता हूँ,
यहाँ पे जो कमांड था मैं उसको डाउन करता हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर बीजीपी 100 और मेरा कमांड था 2.1.1.1.1.1.1, ठीक है। अभी अभिनय ये देखो अभी क्या है, मैंने नेबर बना दिया, ठीक है, 100 100, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये अप नहीं आया। अब इसलिए नहीं आया, मैं उसको बताता हूँ, क्योंकि हमने बनाया है किस पे, नेबर पे, ठीक है। यहाँ पे आइडियल आ रहा है ना, अब मैं इसको यहाँ पे एक नेबर कमांड चला के मैं शटडाउन लिखूंगा, तो ये आइडियल है ना, तो आइडियल की जगह पे यहाँ पे एडमिन करके लिख के आएगा, ठीक है, एडमिन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे शटडाउन दूंगा, शटडाउन दे दिया तो ये मेरा बंद हो गया। अब चेक करो, शो आईपी बीजेपी समरी, देखो बीजेपी समरी क्या है, यहाँ पे एडमिन लिख के आ रहा है, एडमिन इसलिए लिख के आ रहा है कि इसमें हमने डाउन किया, इसको एडमिन ने डाउन किया है, ठीक है, यहाँ पे एडमिन लिख के आएगा, ठीक है। और ये कमांड मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, नहीं कर देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप में इसको इस पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा नेबर इसलिए अप नहीं आया क्योंकि मेरा यहाँ से सोर्स क्या जा रहा है, यहाँ पे सोर्स, सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है मेरा, यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स 1.1.1 नहीं अभी, क्योंकि हमने लूप बैक बनाया ना। अगर मेरा यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे मेरा जो डेस्ट, मेरा सोर्स क्या जा रहा है, यहाँ से मेरा सोर्स जो जा रहा है ना, यहाँ से इसका इंटरफेस की आईपी जा रही है, ठीक है। सपोज कि मैंने क्या किया है, यहाँ से मेरा जो ये जो निकलेगा, मैंने तो बताया नहीं है कि मेरा सोर्स कौन सा होगा, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से जब मेरा ये जाएगा ना, देखो डेस्टिनेशन तो मेरे को पता है कि मैंने जो डेस्टिनेशन दे रखा है वो क्या है, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन 2.2.2.2 है, लेकिन सोर्स मेरा क्या है, यहाँ से सोर्स तो इंटरफेस ही है ना, मैंने तो बताया नहीं है बीजीपी को मेरा लूपबैक सोर्स जो भी होगा मेरा ये वन होगा, तो मेरा यहाँ पे मेरा जो ये जा रहा है तो ये हिट किस पे कर रहा है, इसका सोर्स होके जा रहा है ये, ठीक है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पहुंचेगा, ये चेक करेगा, ठीक है। डेस्टिनेशन तो मैं खुद हूँ, ठीक है, लेकिन जो क्या है सोर्स जो है वो मेरा इंटरफेस की आईपी है, ठीक है, तो इंटरफेस की आईपी वो देखता है, इसलिए उसके नेबर जो है ना ये अप नहीं आ रही है, ठीक है। यहां से होगा, ठीक है, तो ये एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा इसको, हाँ इसको एक्नॉलेजमेंट किए नहीं देगा, ठीक है, 2.2.2.2 है, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनेशन है ये तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये चेक करेगा, लेकिन जो मेरे पास जो अपडेट्स आ रहे हैं वो अपडेट्स तो मेरे को इंटरफेस से आ रहा है, ठीक है, और मैंने तो मैनुअली जो नेबर बना रखा है वो वन से नेबर बना रखा है, ठीक है, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरा जो सोर्स होगा वो मेरा 1.1. सोर्स है, ठीक है। मैंने एक काम करता हूँ, इसको इंटरफेस इंटरफेस, ठीक है, जो आईपी बीजीपी समरी, ठीक है, मैंने एडमिन हटा दिया था, दो शट डाउन हमने किया था, उसके बाद से मैं यहाँ पे इंटरफेस, ठीक है, S4/0/4/0 और शट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, डाउन हो गया, ठीक, नो शट डाउन,
देखो कीप अलाइव मैसेज आ रहा है ना, कीप अलाइव मैसेज। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को बताना होगा, मेरे को बताना होगा कि मेरा जो सोर्स है, जो कि मेरा ये वाला सोर्स है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक कमांड आती है, राउटर बीजीपी 100, राउटर बीजीपी 100, इसमें एक कमांड आती है नेबर, नेबर मेरा कौन सा है, 2.2.2.2, ठीक है। और इसमें हमें बताना पड़ता है क्या, अपडेट सोर्स, मेरा सोर्स ना अपडेट होके जाए। अभी तो मेरा सोर्स यहाँ से क्या 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 जा रहा है, यहाँ पे सोर्स जो मेरा जा रहा है वो 12.1.1.1 जा रहा है, ठीक है, 12.1.1 जा रहा है इसके पास। तो ये चेक करेगा कि ये चेक करेगा कि मेरे पास जो डेस्टिनेशन तो मैं खुद हूँ, ठीक है, लेकिन जो सोर्स आ रही है, जो सोर्स आ रहा है, वो सोर्स किसका है, 12.1.1.1 है। और मैंने जो नेबर बना रखा है, ठीक है, जो नेबर मैंने बना रखा है वो किससे बना रखा है, वन से, ठीक है, जो पियर हमने बना रखा है वो वन वन के थ्रू बना रखा है। तो इसमें हमें बताना पड़ेगा क्या, अपडेट लूपबैक सोर्स, और लूपबैक सोर्स जो ये आईपी दे रखी है किस पे दे रखी है, लूपबैक 0 पे, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है। तो ये देखो आ जाता है ना लूपबैक, लूपबैक की इंटरफेस की नेम देना होता है हमें, तो लूपबैक का होगा तो यहाँ पे लूपबैक 0, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, यहाँ से मेरा सोर्स जो होगा वो अपडेट होके जाएगा, ठीक है। सेम हमें क्या करना है, राउटर टू पे भी हमें सेम करनी है, ठीक है, कमांड यही, इंटरफेस राउटर बीजीपी 100, राउटर बीजीपी 100, नेबर मेरा है 1.1.1.1, ठीक है, और हमें अपडेट करना है अपना लूपबैक सोर्स 0, ठीक है। शो आईपी बीजीपी समरी, तो रन पाइप इनपुट सेक्शन बीजीपी, राउटर सेक्शन बीजेपी, इंटरनेट राउटर आईडी, नेबर ओ आईपी फेस, इंटरफेस
रहा हूँ। डेढ़ सौ स्लोप बैक जीरो ठीक है, इसको बता दिया। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ओके। हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया। हेलो यस सर। हाँ अभी हमने क्या किया, शो आईपी, ठीक है, शो आईपी बीजीपी समरी, ठीक है। ये मेरा अभी भी अप नहीं आ रहा, अप इसलिए नहीं आ रहा है कि हमने जो लूपबैक जो बना रखा है ना, लूपबैक जो बना रखा है वो किस पे बना रखा है, हमने नेबर जो बना रखा है लूपबैक बना रखा है, ठीक है। हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये मेरा पिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अगर मैं पिंग करना चाहूँ यहाँ से पिंग 2.2.2.2 तो पिंग होगा नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा, हमें क्या इसके अंदर ना एक राउटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसमें एक राउटिंग परफॉर्म कर लेते हैं। राउटिंग के लिए सपोज डैट कि मैं ये चला देता हूँ, पोस्टस्क्रिप्ट चला देता हूँ, ठीक है। पोस्टस्क्रिप्ट आता है ना, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 10 चला दिया मैंने, ठीक है, राउटर ओएसपीएफ 10 चला दिया, ठीक है। और इसमें नेटवर्क नेटवर्क में मैं काम करता हूँ 0.0.0.0, ठीक है, 255.255.255.255.0। इसमें ये होता है, गलत हो गया, नहीं गलत नहीं होगा, एरिया जीरो होगा ना, एरिया जीरो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, नेटवर्क नेटवर्क में मैंने डिफॉल्ट ले लिया, डिफॉल्ट में जीरो मेरे पास, अगर कोई भी यहाँ पे नेटवर्क हो चाहे इस इंटरफेस को या ये लूपबैक हो, वो सारे इसमें कॉल आ जाएंगे, ठीक है। उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है, तो उसका हमने वाइल्ड कार्ड मास्क लिया और फिर से एरिया जीरो, डिफॉल्ट आउटिंग कर दी ना सर एक तरह से, हाँ डिफॉल्ट आउटिंग कर दी, ठीक है, ओएसपीएफ में। तो ये क्या होगा, मैं जीरो लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जीरो का नेटवर्क लेके चल रहा हूँ, कोई भी मेरे पास कोई भी पीछे से कोई भी नेटवर्क हुआ है वो मेरे ओएसपीएफ में कॉल हो जाए, ठीक है। तो मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर, ठीक है। सेम मैं करूंगा राउटर टू पे, ठीक है, तो राउटर टू पे मैं आया, राउटर ओएसपीएफ, ठीक है, राउटर ओएसपीएफ 10, ठीक है, और नेटवर्क मेरा नेटवर्क होगा, मैं एक काम करता हूँ सबको कॉल कर लेता हूँ, इस इंटरफेस से सबको कॉल कर लेता हूँ मैं एक में, ठीक है। नहीं तो मैं अगर इंटरफेस पे मेरे को करना होता मैं सिर्फ इंटरफेस पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। 0.255.255.255.255 area 0, ओके, ठीक है। अभी देखो लोडिंग फुल हो गया, अभी बीजीपी भी अप आ जाएगा, तो आईपी बीजीपी, देखो बीजीपी अप आ गया ना, समरी, ठीक है।
ये राउटिंग की वजह से बीजीपी अप नहीं आ रहा था, क्योंकि क्योंकि क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कहाँ लिखा हुआ है, हाँ? कहाँ पर लिखा हुआ है था? ये देखो नेबर अप, ठीक है अच्छा नेबर अच्छा अप आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखोगे शो आईपी बीजीपी समरी, शो आईपी बीजीपी समरी में यहाँ पे प्रीफिक्स था, स्टेट में कुछ नहीं आ रहा, पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, आइडियल आ रहा था। ठीक है अब मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है ये दिखाता हूँ, ये देखो व्हाट्सएप में सर, सारी अब स्टेब्लिश क्यों नहीं आ रहा? स्टैब्लिश में कुछ नहीं दिखता है ना, स्टैब्लिश में कुछ नहीं दिखता। ये देखो व्हाट्सएप में, मैं यहाँ से पहले स्टॉप कर लेता हूँ, व्हाट्सएप में यहाँ पे सब दिखेगा। देखो बीजेपी कनेक्शन, ठीक है मैंने क्या बताया था स्टेट में, पहले ये बताया था कि देखो टू डॉट है ना, नेबर मैंने बनाया था, इसका सोर्स टू डॉट सोर्स है, जो कि डेस्टिनेशन क्या है 1.1.1 है। ठीक है उसको टीसीपी कनेक्शन भेजेगा, ठीक है फिर टीसीपी कनेक्शन ये होता है, टीसीपी कनेक्शन जब ये बन जाता है पूरा, अब यहाँ पे देखो टीसीपी कनेक्शन में जाता क्या है, वीरेंद्र सर हेलो, हाँ नीश देख रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। हाँ देख रहे हैं ना, मैंने उस दिन मैं लास्ट लास्ट लेक्चर में बताया था कि टीसीपी कनेक्शन होता है ना, तो उसमें सिंक जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये रिप्लाई करता है टीसीपी कनेक्शन, देखिए 3 बार होता है, 1, 2 और 3, ठीक है 3 वे हैंडशेक है ना टीसीपी हमारा, 3 बार हो रहा है। ठीक है उसके बाद ये देखो 179 पे जाके हिट कर रहा है, ठीक है तो सिंक मेरा जाता है, देखिए ब्रैकेट में लिखा है ना सिंक, ठीक है फिर सेकंड टाइम रिप्लाई जब करता है तो इसमें जाता है सिंक और क्या जाता है एक्नॉलेजमेंट जाता है, ठीक है सिंक और एक्नॉलेजमेंट, तीसरे टाइम में क्या जाता है सिर्फ एक्नॉलेजमेंट जाता है। ठीक है तो टीसीपी कनेक्शन इस्टैब्लिश हो जाता है ओके उसके बाद। ठीक है अब यहाँ देखो ये डाउन है, ठीक है डाउन में क्या था हमारा शट डाउन था, उसके बाद से क्या होता है हमारा कनेक्ट, कनेक्ट में क्या होता है बीजीपी वेटिंग फॉर टीसीपी कनेक्शन, ठीक है कंप्लीट टीसीपी कनेक्शन कंप्लीट होने के लिए ये वेट करता है। एक्टिव में क्या होता है मेरा टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है जब टीसीपी कनेक्शन मेरा स्टैब्लिश हो जाएगा तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन ओपन सेंड, देखो ये व्हाट्सएप में यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद से ओपन मैसेज भेजता है। ठीक है ओपन मैसेज ये वाला सोर्स जो है 2.2.2 डेस्टिनेशन 1.1 को भेजेगा, और ये 1.1 ये है ये भेजेगा किसको 2.2.2 को, ठीक है तो इसमें देखो ओपन मैसेज ठीक है भेज रहा है ना दोनों को, ठीक है जब ये ओपन मैसेज जब ये भेज देगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो ओपन मैसेज भेजता है तो क्या करता है उसको स्टैब्लिश करता है, ठीक है सॉरी ओपन कन्फर्म करता है। ठीक है तो कन्फर्म करने के लिए देखो ओपन मैसेज इसने भेजा और इसने भेजा, ठीक है दोनों आपस में भेजे और इसने क्या किया कीप अलाइव मैसेज भेज दिया, ठीक है कीप अलाइव मैसेज भेज दिया, दैट मींस क्या हो गया ये एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है कीप अलाइव मैसेज भी देखो 60-60 ये 3 वे हैंडशेक है ना, ये 3 बार भेजता है, ठीक है 3 बार ये इसको भेजेगा फिर ये इसको भेजेगा ये फिर इसको भेजेगा 60 सेकंड, ठीक है 60 सेकंड पे ये भेजता रहता है, और इसका होल्ड टाइम कितना होता है 180 सेकंड। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इंटरव्यू में कि टीसीपी कनेक्शन जो होल्ड टाइम होता है वो 180 सेकंड क्यों होता है, ठीक है तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन इसका आंसर होगा कि सर मेरा जो कीप अलाइव मैसेज जो होता है वो 60 सेकंड का होता है, क्योंकि बीजीपी मेरा वर्क करता है किस पे टीसीपी कनेक्शन पे, तो टीसीपी कनेक्शन जो होता है वो 3 वे हैंडशेक होता है, तो 3 वे हैंडशेक करने के लिए ये 3 बार क्या होता है इसका 3 बार ये भेजता है, यहाँ से यहाँ भेजेगा फिर यहाँ से यहाँ भेजेगा फिर यहाँ से यहाँ भेजेगा, तो 3 बार ये भेज रहे तो इस पूरे काउंट होता है ना, तो 60 60 60 ये तीनों काउंट करके 180 सेकंड तक इसका होल्ड एंड टाइम होता है। ओके ओके हाँ होल्ड एंड टाइम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये देखो बीजेपी यहाँ तो आ गया, उसके बाद क्या हो गया ओपन कंफर्म, यानी कि मेरा कंफर्म कर लिया, देखो ये कंफर्म कर लिया, ठीक है ओपन मैसेज सेंड एंड रिसीव, ठीक है इसने भेजा भी और रिसीव भी कर लिया फ्रॉम बोथ साइड से, ठीक है ओपन, उसके बाद से क्या आता है ये establish, establish में क्या होता है ऑल पैरामीटर मैच हो जाते हैं, ठीक है वी कैन चेंज वी कैन एक्सचेंज अपडेट मैसेज, ठीक है तो अपडेट मैसेज वो ये देखो अपडेट मैसेज, ठीक है अपडेट मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है इसने अपडेट मैसेज भेजा, ठीक है अपडेट मैसेज भेजा, फिर इसने क्या किया टीसीपी कनेक्शन का रिप्लाई दे दिया एक्नॉलेजमेंट, देख रहे हो ये यहाँ देखो 1.1 जो है सोर्स है, इसने डेस्टिनेशन को भेजा अपडेट मैसेज, और इसका अपडेट जो मैसेज होता है इसका ये रिप्लाई देता है, देखो रिप्लाई में क्या दिखेगा यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दिखेगा ब्रैकेट में,
ठीक है, अगर इस पैकेट को अगर और अंदर खोलना है तो खोलने के लिए यहाँ पे बॉर्डर गेटवे पे जाओगे आप। ठीक है, देखो टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन है, टीसीपी कनेक्शन में यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, ये देखो फ्लैग बिट है, फ्लैग बिट ये देखो एक्नॉलेजमेंट सेट होके जा रही है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट सेट होके जा रही है 1, और डीप में जाने के लिए सारी चीजें यहाँ पे ये दिख जाएगी। देखो अपडेट मैसेज, मैसेज दिखा रहा है 2, सेकंड टाइम इसलिए दिखा रहा है कि 2 अपडेट मैसेज ना दोनों तरफ जाता है, ये 2 दिखा रहा है। ठीक है, अपडेट मैसेज ये इसको अपडेट करेगा, ये इसको अपडेट करेगा और फिर उसका एक्नॉलेजमेंट देगा। देखो एक्नॉलेजमेंट उसने दिया है यहाँ पे। तो ऐसे ही मेरा क्या होता है, बीजीपी कनेक्शन जो होता है वो मेरा स्टैब्लिश होता है। ठीक है, शो आईपी सर मीटिंग ऐड बीजीपी, होने वाली है सर। शो आईपी बीजीपी। ठीक है, ये दिखाया था ना मैंने, 6 मिनट से मेरा क्या है अप है। ठीक है, 6 मिनट से मेरा ये अप है। ओके, मैंने एक चीज और बताया था कि अगर मेरा बीजीपी कनेक्शन जो है, मेरा नेबर अगर कभी भी अप नहीं आता है तो वहां पे नेबर लिखता है। अगर एक बार अप आ गया ठीक है, और फिर अगर वो डाउन होता है ठीक है, तो वहां पे डाउन टाइम दिखाता है, ना कि वहां पे नेवर लिखेगा। ठीक है, ये मैं चीज दिखाता हूँ अभी। ये हो गया राउटर, राउटर बीजीपी 100। ठीक है, राउटर, हाँ राउटर बीजीपी 100, और इसमें राउटर बीजीपी 100 के बाद से हम जाएंगे नेबर 2.2.2.2। ठीक है, सर, मैं इसको शट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको शट डाउन करूंगा, शट डाउन करने के बाद से मेरा क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे लिख के भी नोटिफिकेशन भी आता है पूरा। ठीक है, कि डाउन एडमिन की तरफ से एडमिन डाउन ने एड। डाउन ठीक किया। है, अब यहाँ पे चेक करो शो आईपी बीजीपी समरी। ठीक अच्छा है, देखो एडमिन डाउन आ गया ना, यहाँ पे नेवर नहीं लिखेगा। अब ये क्या लिखेगा, आइडियल आ रहा है तो आइडियल, हाँ आइडियल में डाउन टाइम लिखेगा। अब हाँ, ये डाउन नहीं, कूल डाउन नहीं होता, डाउन टाइम होता है। मतलब ये नेवर है, ये नेवर मेरी डाउन हो चुकी है। ठीक है, इसका डाउन टाइम लिखता है। हाँ, कितने टाइम हो गया इसको डाउन हुए हुए, अभी देखो 38 सेकंड। ये ऐसे जब तक ये अप नहीं आएगा तब तक ये टाइम इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर बीजेपी। ठीक है, और एक काम करता हूँ मैं ना, अभी शट डाउन कमांड हटाने से पहले शो आईपी जीपी समरी। ठीक है, ये कमांड मैं हटाता हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या आ रहा, आ गया तुरंत। ठीक है, आप आ गया। ये चीज है, तो यहाँ तक हमने लूपबैक पे कॉन्फ़िगरेशन बनाया। ठीक है, लूपबैक पे कॉन्फ़िगरेशन बनाया, और लूपबैक हमें सोर्स को हमें बताना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है कि मेरा अपडेट जो सोर्स है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने उसको बता दिया, तो यहाँ पे मेरा जो सोर्स होगा वो यहाँ पे